वासु का बेटा आया है, आप उससे मिलना चाहेंगे? नहीं नहीं, बच्चे को वासु से मिलने दो। ओके सर। तेरा बेटा तुझसे मिलने के लिए आया है, अंदर भेज रहा हूं उसे। यहां पे? लेकिन हम तो हमेशा विजिटिंग एरिया में मिलते हैं। मिलना है तो यही मिल, वरना वापस भेज देता हूँ। वापस मत भेजना, मैं यही मिल लेता हूँ। बस आप ये हथकड़ी खोल दीजिए, बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। जब तू क्राइम कर रहा था तब तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया, अब इज्जत का ढोल पीट रहा है, तुझे यही मिलना पड़ेगा। मुझे हथकड़ी पहना दी, उल्टा चोर पुलिस को डांटे। चीफ को इसकी कलाकारी देखने दो। मेरी भी इज्जत है। अरे इज्जत का फल उदा मत कर, शाम के खाने में बिरयानी खिलाऊंगा, छोड़ दे भाई, छोड़ देना। पता है ना, विजिटिंग आवर्स में कैदी को हथकड़ी नहीं पहनाते। ए, तेरी। अगर मेरी जगह तू होता तो क्या करता? अरे भाई बिना हथकड़ी के मिलने उसे, कह तो चाबी दे देता हूँ, ये ले। क्या ख्याल है इसके बारे में? मुझे तो किसी काम का नहीं लग रहा है। इसे खुद पे बड़ा गुरूर है चीफ। पापा। रवि। पापा। फ्रीज। क्या हुआ? अपनी पॉकेट चेक करो। अरे वो चॉकलेट। यहाँ पंखा भी नहीं है, आपको कैसा लगता होगा? पापा को ठंड लगती है, रात में यहाँ एसी चलता है। आबरा का डाबरा। ये पुलिस वाले तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। तो फिर उनसे कहिए ना आपको घर आने दें। बेटा उन्हें केक खिलाने के बाद। पापा अपने पॉकेट में हाथ डालिए। हे बेटा, मेरा असर हो रहा तुझ पर? हाँ पापा। पापा। मिलने का टाइम खत्म हो गया, चल बेटा आजा। पापा। बाकी बातें मन में कर लेना। अंकल थोड़ी दे। चल। अंकल प्लीज। पापा। रवि आजा। पापा। डर मत बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? बेटे को लेकर पागल है सर। ये कानून तोड़ने में कभी पीछे नहीं हटता होगा। लेकिन इंसान अच्छा है, इसे सिलेक्ट करते हैं। हा? इसके पेपर्स तैयार करवाओ, सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद इसे हेडक्वार्टर्स लेकर आओ। इंडियन आर्मी की स्पेशल पावर से ये तुम्हें रिलीज करने के लिए ऑर्डर्स हैं। तुम्हारे खिलाफ सारे रिकॉर्ड्स क्लियर कर दिए गए हैं। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। ओके सर। इन रिलीज ऑर्डर्स के मुताबिक इंडियन आर्मी तुमसे जो चाहे वो करवा सकती है। हाई सिक्योरिटी वॉल्ट से तुम्हें एक चीज चुरानी होगी। अपने बेटे का प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ मेरी टीम हो तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। थर्ड अंपायर डिसीजन है। साफ दिख रहा है यार, आउट नहीं है। हम लोग करते हैं ना। थर्ड अंपायर के लिए वेट कर रहा था, उसको मालूम नहीं उसके बाप यहाँ पे फोर्थ अंपायर बैठे ले। अबे ओए चिलगोजे, काय करू कर रहा है येड़ा। अबे भागो, आर्मी पकड़ने आ रही है। हाँ आर्मी? अबे आर्मी को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? आर्मी क्या योगा कर रहे हैं बे? अरे अरे सर सर, मैंने कुछ नहीं किया, वो आउट ही था, ये चीटिंग है सर। कितने तेरा पार्टनर?
सलाम साहब। चल बारा। साहब लोग हल्का होने के लिए डब्बा लेकर जाते हैं, पर मैं डब्बे में ही हल्का हो जाता हूँ। मोबाइल। अबे सुन, पुलिस थर्ड डिग्री देती है, कहीं ये फौजी लोग हमें 90 डिग्री ना दे दें। ए, सच बोल रहे हैं? अरे वासु, अबे तू भी यहाँ? पुलिस ने तुझे छोड़ दिया और आर्मी ने पकड़ लिया? अरे तुम लोगों को मैंने ही यहाँ बुलवाया है। तूने? और इस एहसान की वजह क्या है? कोई मेडल दिलवाने वाला है क्या? अरे कुछ ऐसा ही समझ ले यार, एक कीमती चीज चोरी करने के लिए मुझे जेल से छोड़ा गया है। क्या चोरी? दिखने में तो जगह ट्यूशन क्लासेस लग रही है, और आईना मेकअप रूम का लगाया। बहुत दिन हो गए यार, नाक के बालों को नहीं सिलाया। अच्छा, आर्म्ड फोर्स के स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958 के तहत तुझे छुड़ाया गया है, मतलब आर्मी को हमारी बहुत जरूरत है। ये टैबलेट लेके अंदर कैसे गया? पता नहीं करना, हमने तो बहुत अच्छे से तलाशी ली थी। देख काम भी कुछ हो, प्रॉफिट के दो ही हिस्से होंगे। आर्मी वुमन ने जब मुझे जेल से बाहर निकालने की बात की तो हिस्से का ख्याल ही नहीं आया। आर्मी वुमन कवारी थी या तलाकशुदा? जब मिलेगी ना तो खुद ही पूछ लेना। चीफ ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। मिलिट्री से पैसा लेना बहुत बुरी बात है, मुझे मेरा शेयर नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन हाँ उनकी रम एक नंबर रहती है। ऐसी बातें कर रहा है, ढक्कन सूंघे तो चढ़ जाती है इसको। अबे रम के ड्रम में डुबाऊंगा। ये नमूने देश को बचा पाएंगे? सॉरी चीफ, पर मुझे लगता है हमें किसी और की तलाश करनी होगी। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले एक मौका तो दो इन्हें, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। इनकी कठिन परीक्षा लेनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पूरा मिशन ही खराब हो जाए। क्या आईने में लगा हुआ है? ज्यादा गौर से मत देख, आईना टूट जाएगा। हमें इनकी परीक्षा लेनी थी, उल्टा यहाँ हमारी क्लास ली जा रही है। जो भी हो, इन चोरों के सामने हार नहीं मानेंगे। ये वॉल्ट दुनिया के सबसे मजबूत टाइटेनियम से बना हुआ है और आपका काम है इसे खोलना। इस काम के लिए आप इन रखी हुई चीजों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यह काम आपको 2 मिनट में करना होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे हाँ, कान में धुआं चला गया। इस पर तो असर ही नहीं हुआ। कितना पोल्यूशन कर रहे हैं लोग। We have to blast it. Let's do it. सिर्फ 1 मिनट बचा है आपके पास। इन एक्सप्लोजिव स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, आईजे बम तो अपन दशहरे में रावण को उड़ाने के लिए लगाते थे। डिस्टर्ब मत कर। ब्लास्ट। नहीं खुला। योर टाइम इज अप जेंटलमैन। तुम्हारे लिए भी वही रूल्स हैं जो इनके लिए थे, जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर देना यार, इतना तंग मत कर। मिशन अपग्रेडेड टू द नेक्स्ट लेवल पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर पावर। He's got this 7 cents making some regional criminal plans. Gotta make a quicker move or he might flick it in the ring. Yeah, that's true. Technology brings a change. Yeah, let's not time to use it. They've got a super brain, just don't think now to fuse it. दरअसल हमें वो पावरफुल एक्सप्लोजिव यूज करना शायद हमें वो लेना चाहिए था। अगर हम उसका इस्तेमाल करते तो शायद हुँ।
वेल वेल वेल, अब तो समझ गए ना कि हमें इनकी जरूरत क्यों है। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की तैयारी करो। यस सर। ये भाई ढोकला खाएगी क्या? वेलकम टू द टीम बॉयज। हमारे सौर मंडल का विज्ञान ऐसा है कि इसमें अगर जीवन है तो जीवन को पूरी तरह खत्म करने की ताकत भी है। एक एस्टेरॉयड धरती की ग्रेविटी में तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसका निशाना भारत के दक्षिणी हिस्से है। अगर ऐसा हुआ तो आधा भारत पानी में डूब जाएगा और बाकी शायद मानव जीवन के लायक नहीं रहेगा। अगर इसे समय पर रोका नहीं गया तो हम अपने परिवार को और इस शहर को अपनी आंखों से खाक होते हुए देखेंगे। भाई ये तो हॉलीवुड पिक्चर का सीन दिख रहा है। पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा, अपन लोग का क्या होगा यार? अबे होगा क्या, एक ही बार में सातों जन्म मिट जाएंगे। आठवें जन्म में नई पोटी मिलेंगी ना। भाई तू क्या ऐसे शांत बैठा है, देख के तेरे हलक में नहीं आया क्या? चुपचाप बैठना। हे, ये लोग तो तुझसे कुछ चोरी करवाने की बात कर रहे थे ना, पर क्या चोरी करवाएंगे? पता नहीं यार क्या करवाएंगे। स्पेस में ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है और ना ही हवा होती है, और इसलिए साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, कुछ सुन नहीं सकते। अगर गलती से भी स्पेसशिप बिना ये सूट पहने छोड़ा तो आपके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। हाँ? और अगर ये ग्लव्स या हेलमेट नहीं पहना या फिर इन पे एक छोटी सी भी खरोंच आई तो आपकी स्पॉट डेथ हो जाएगी। कैरी ऑन विथ योर ट्रेनिंग। यस सर। ये चारकोल में बना है कि इंपोर्टेड है? इस मिशन में जो भी टेक्नोलॉजी है इंडिया की है। देसी माल पहन के स्पेस में नहीं जाऊंगा। और नहीं तो क्या, जो नील आर्मस्ट्रांग पहना था ना वही पहनेंगे, ये नहीं। लोगों की जान खतरे में है, तुम में देशभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है? देशभक्ति? आप में से कौन कौन इंडियन फोन इस्तेमाल करता है? मेकअप भी इंपोर्टेड। सस्ता फोन खरीदेंगे तो वैल्यू डाउन नहीं हो जाएगी? हाँ, वैसे भी हमारी आत्मा इंपोर्टेड है। अगर ढंग का कोई सवाल पूछना है तो पूछो, वरना जा सकते हो। मेरे को एक डाउट है, ये ड्रेस ऊपर से नीचे एकदम पेटी पैक है, जिप भी नहीं है, सुसु आया तो क्या? मैंने ये पूछा। अबे मेरा नाम क्यों लगा रहा है? जवानी में बचपना। स्पेस में जा रहे हो गली के नुक्कड़ पे, नहीं पहन लो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए।